हेलो स्टूडेंट्स सो टूडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर विच वॉज कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट सो इन प्रीवियस वीडियो आई जस्ट गिवन यू द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट दैट इट अकर्स ड्यू टू द कॉस्टिक एनवायरमेंट ओके नाव वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल दैट वाट हैपन्स होता ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर एक कंसनट्रेशन सेल का फॉर्मेशन होता है कैसे बनता है कंसनट्रेशन सेल ये हमारा ये आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था एक मैं आपको फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाती हूँ कि ये एक सरफेस है ठीक है इस सरफेस पर यहाँ इस तरफ पानी है ठीक है एक कंटेनर ले सकते हैं आप सपोज़ हम इस तरीके का कोई भी तो इसमें ये क्रैक मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ ये इस तरीके का सो so, ये डिटेल में हमने स्टडी किया इस केस में ये वाटर है वाटर में कंसंट्रेशन है एन की वो एन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी इस पर्टिकुलर एरिया में अब ई क्योंकि कंटिन्यूस होता जा रहा है यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है ठीक है बट ई वेपोरेशन क्योंकि यहां ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एन एच यहां होगा लेस एज कंपेयर टू दिस और यहां कंसनट्रेशन होगा हाई तो ये तो लेस एन एच कंसंट्रेशन ये हाई एन एच कंसेंट्रेशन यहां डेवलप होगा ठीक है तो ये जो हाई एन एज कंसेंट्रेशन डेवलप हुआ है वहां क्या पर्टिकुलर रिएक्शन होगी वो पर्टिकुलर रिएक्शन होगी यहाँ पर ये ये इस तरीके का सेल फॉर्मेशन होता है ठीक है ये सेल फॉर्मेशन होगा मतलब आयरन इज कॉमन ठीक है मेटल इज कॉमन बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट मतलब एक हाई कंसंट्रेशन और एक लो कंसंट्रेशन इस तरीके का एक सेल फॉर्म होगा ठीक है ना अब जो हाई और लो कंसंट्रेशन सेल जो फॉर्म हुआ है इस तरीके से एक तो हो गई आपकी क्या ये तो है आपकी प्लेन सरफेस ठीक है वो सरफेस जहां पे क्रैक नहीं है और एक हो गया आपका क्रैक सरफेस ये हो गया आपका लो कंसेंट्रेशन ठीक है ये हो गया आपका हाई कंसेंट्रेशन तो लो कंसेंट्रेशन को क्या बोलते हैं डाइल्यूट हाई कंसेंट्रेशन को कंसेंट्रेटेड फॉर्म ठीक है तो एक तो डाइल्यूट हो गया एक हो गया कंसेंट्रेटेड फॉर्म किसका बात हो रही है एनिवेज की और दोनों ही केस में क्या है आयरन है ठीक है तो एफ ई है यहाँ पर एफ ई है यहाँ पर सेम हो गया मतलब एक ही मेटल आयन है एक है आपकी प्लेन सरफेस एक है आपकी क्रैक्ट सरफेस ठीक है अब प्लेन सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन इट दिस इज डल्यूट एन यू एंड हियर दिस इज concentrated anywhere तो अब एक बन जाएगा हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन सेल बन गया तो एक जो आपका फॉर्म है एक तरफ का मेटल आयन तो बन जाएगा कैथोड और एक तरफ का मेटल आयन बन जाएगा एनोड ठीक है अब कैथोड और एनोड जो बना है उससे जो मेटल आयन है वहां पर एक कैथोड हुआ ठीक है और ए क्या हो गया आपका एनोड अब ये जो आपका कैथोड और एनोड वाली चीज आई मतलब वाला सरफेस क्या बन जाता है कैथोड बन जाता है और ये आपका क्या बन जाएगा एनोड बनेगा तो इस केस में आपको पता है जो एनोड होता है ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होता है किस पॉइंट पर एनोड पर होगा ठीक है मीन्स ये जो कन, आपका क्रैक्ड वाला जो सरफेस था इस क्रैक्ड सरफेस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और उस पर रिडक्शन और क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और इस ऑक्सीडेशन से जो एफ ई था वो एफ ई प्लस टू में रिलीज होगा ठीक है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एफ ई जो था आपका ये एफ ई से किस में कन्वर्ट हो गया एफ ई प्लस टू में और एफ ई का एफ ई प्लस टू में कन्वर्ट होना क्या हो गया एक तरीके का को रोजन हो गया ठीक है आपको बात समझ में आई जो मैंने यहाँ बताया आपको इसमें देखिए आप आयरन एट द पॉइंट्स ऑफ हाई लोकल स्ट्रेस रेवर्ड बैंड एंड ज्वाइंट्स, मतलब क्रैक है कोई बैंड है कोई ज्वाइंट है या कुछ भी है तो वो पॉइंट जो आपका होगा वहां पर वो वाटर चला जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया में कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी ठीक है और दूसरा प्लेन सरफेस है ये आपका स्मूथ सरफेस वहाँ एन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी ये आपका एक को सोल्यूशन है एन ये एन ये डल्यूट है ये कंसनट्रेटेड है ठीक है अब ये सेल बन गया तो ये आयरन सराउंडेड बाय डल्यूट एन यूएच इज कैथोड ठीक है ये डल्यूट एन यूएच है जिसके पास है वो तो आयरन कौन सा हो गया कैथोड और ये जहां पर कि कंसंट्रेटेड एन यूएच है वो बन गया आपका एनोड तो ये है एनोड का आयरन ये है कैथोड का आयरन और इस एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा मतलब क्रैक बैंड जॉइंट इन सबकी जो पॉइंट है या जो स्ट्रेस पॉइंट है वहाँ पर कोरोजन क्रिएट होता है ठीक है तो इस पर्टिकुलर एरिया पर क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है या ये एनोड बनता है तो यहाँ पर कोरोजन क्रिएट होगा और या ये सर्फेस ही ब्रिटल बनती है ठीक है तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि एक तरीके का ये कंसनट्रेशन सेल बनेगा दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिस इज द कंसंट्रेशन सेल और ये कंसंट्रेशन सेल उस पर्टिकुलरली किस में बन रहा है बॉयलर के अंदर बन रहा है और ये ही मैंने डेफिनेशन में पहले आपको बताया था ये चीज ये क्या हुई इंक्रीज प्रोग्रेसिवली विच अटैक द सराउंडिंग एरिया डिजोल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम टैरिस ठीक है ना ये इस तरीके से ओके okay. तो ये मटेरियल जो है इसको हम इक्वेशन की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन जो है वो इसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगी कि सेल के बनने के बाद में जो भी आयन्स आगे फर्दर फॉर्म हुए हैं वो कैसे उस कोरोजन के कंपाउंड में क्रिएट होंगे ठीक है तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो कंसंट्रेशन सेल बना है वो बन गया आपको पता चल गया कि यहाँ एनोड भी बन गया है अब उस एनोड से आगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी हाउ योर मटेरियल बिकम कॉस्टिक तो ये आए अपना आएगा नेक्स्ट वीडियो में ओके सो थैंक यू वेरी मच एंड प्रोसीड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो